हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, मैं हूं जरीन खान। हम सब एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इस लॉकडाउन ने बहुतों के लिए लाइफ बहुत मुश्किल बना दी है। कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहा है तो कोई अकेलेपन से कोप अप नहीं कर पा रहा, कोई काम ना मिलने की वजह से परेशान है तो कोई बस इस वायरस के डर से घबराया हुआ है। आज इस वीडियो में मैं मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करूंगी और इस बातचीत में मेरा साथ देंगे डॉक्टर अविनाश डिसूजा। ये डिसूजा फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। डिसूजा फाउंडेशन मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफों से डील करता है और इसके प्रति अवेयरनेस स्प्रेड करने में काम करता है। डॉक्टर डिसूजा 10 से ज्यादा मुंबई के स्कूल्स में विजिटिंग साइकियाट्रिस्ट भी हैं और मुंबई साइकियाट्रिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर अविनाश डिसूजा से। हेलो डॉक्टर डिसूजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। वेल, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू कम इन हियर फॉर दिस प्रोग्राम। मैं डायरेक्टली टॉपिक के अंदर डाइव इन करूंगी रादर देन यू नो यहाँ वहां की बातें करने से। मेंटल हेल्थ आज बहुत ही चिंता का इशू बन गया है, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और हम कई बार उसके प्रति नजर देते नहीं है और उसको नजरअंदाज कर देते हैं। आप अगर अक्सर लोगों को देखोगे तो 6 महीने में 1 साल में वो अपना ब्लड चेकअप कराते हैं, शुगर चेकअप कराते हैं, हर हफ्ता अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। लेकिन मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, मनोचिकित्सक हूँ और अपने क्लिनिक में बैठता हूँ, तो मेरे पास कई बार पेशेंट्स प्रॉब्लम होने के बाद आते हैं। वो कभी भी आके कहेंगे कि मेरे साथ ये हो गया, मुझे अभी डिप्रेशन है या मुझे अभी चिंता है या फिक्र है। मेरे पास कोई कभी हर 3 महीने में या 6 महीने में नहीं आता है कि मुझे अपना रेगुलर मेंटल हेल्थ चेकअप कराना है कि क्या मुझे स्ट्रेस है या मुझे टेंशन है या मुझे कोई बीमारी होने के चांसेस है। ये तो एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो है यानी मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना लोग नहीं देते हैं। और मेरा ये मानना है कि जागृति या अवेयरनेस जो है इसको लेकर है नहीं, इसी के कारण शायद ये प्रॉब्लम सामने आई, जबकि फिजिकल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बहुत ज्यादा लोगों के प्रति है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बट जैसे आपने कहा कि यू नो लोग रेगुलरली चेकअप के लिए नहीं आते हैं, लोगों ने फिजिकल वेलबींग या फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दिया है बट समहाउ मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य को भूल गए हैं। बट अब ये इसको हम पहचाने कैसे? कोई इंसान को कैसे पता चलेगा कि वो एक मानसिक रोग से गुजर रहा है कि उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े? जैसे कि अगर आप फिजिकली बीमार होते हो, आपको सर्दी खांसी बुखार होता है तो आप जानते हो कि आपको ये हुआ है और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। बट जब मानसिक रोग होता है तो आप कैसे जानोगे कि हाँ ये मुझे हुआ है या मुझे अभी डॉक्टर की जरूरत है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो इनको पता ही नहीं है कि मानसिक रोग जैसी भी कोई चीज होती है। यहाँ पे मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात तो अगर हर इंसान अपने खुद के बर्ताव, बिहेवियर और पर्सनालिटी से वाकिफ है कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में बर्ताव कैसा है, तो अगर कोई भी इंसान को ये लगने लगे कि मेरे जो रेगुलर बर्ताव है, रेगुलर बिहेवियर है, इसमें फर्क आने लगा है, तो जो इंसान पहले शांत था वो अभी गुस्से वाला हो गया है, या जो इंसान गुस्से वाला था वो और अधिक मात्रा में गुस्से वाला हो गया है, या मानो कोई इंसान नॉर्मल सा था, खुश था, लेकिन अभी उसके मन में निराशापन, उदासी हो गई है, बिना कारण चिंता फिकर हो गई है, नींद में प्रॉब्लम्स हो गए हैं, या भूख कम लगना या अधिक भूख लगना, ये चीजें हो गई है, या कभी कभी ऐसे भी होता है कि किसी से मिलने का मन नहीं हो, किसी से बात करने का मन नहीं हो, मैं अपने ऑफिस जाता हूँ या अगर आज के दौर में वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो काम करने का मन नहीं होता है, सारी चीजों को मैं टालते जाता हूँ, और साथ में ये भी होता है कि कोई मुझे कुछ पूछे तो एक चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी मेरे में रहती है कि मैं उल्टा
उल्टा जवाब दे देता हूँ या रूडली जवाब दे देता हूँ। तो ये चीजें जो है, जैसे पर्सनैलिटी या हमारे बिहेवियर में बदलाव आए, मतलब हमें स्ट्रेस अभी अटैक कर रहा है, तो हमें ये एक ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और मेरा मानना है कि सेकेंड फैक्टर ये है कि अगर लोग जानते भी है कि ये सब मुझे हो रहा है या स्ट्रेस हो रहा है, तो ये आप भी मानेंगे कि लोगों के मन में एक डर है कि मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक मन में, क्योंकि एक मन में हमने एक पिक्चर बना लिया है कि जो साइकाइट्रिस्ट है वो ऐसा डॉक्टर है जो पागलों का डॉक्टर है और एक मेंटल हॉस्पिटल में बैठता है, तो अगर मैं साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ तो मुझे मेंटल इलनेस, जो वर्ड मेंटल है वो हमें कई बार डरा देती है, तो मेंटल इक्वल्स पागलपन, तो हम बोलते कि नहीं मुझे मेंटल इलनेस हो गया है, तो लोग नहीं सोचते कि हम साइकाइट्रिस्ट भी दूसरे डॉक्टर की तरह ही है, हम आपसे बात करेंगे, दवाई देंगे या थेरेपी देंगे या ट्रीटमेंट देंगे, तो वो एक डर के कारण नहीं जाते। बट अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे, जो मैंने अभी कहा, अगर आपको अपने में दिखाई दे या फैमिली मेंबर्स में दिखाई दे, तो मेरा मानना है एक रेगुलर चेकअप के लिए तो आपको जाना चाहिए। जी जी जी। वेल यू नो, जैसे आपने अभी बताया कि लोगों के दिल में ये शंका होती है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो मतलब यू नो वो सिर्फ पागलपन का इलाज करते हैं, तो इस चीज को यू नो हम इस बैरियर को कैसे ब्रेक करें, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मैं ये बात खुद भी जानती हूं कि लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि भले ही उनको मदद भी चाहिए हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे और सोसाइटी हमको पागल करार दे देगी, तो ये कैसे समझाए कि भाई साइकियाट्रिस्ट के पास सिर्फ पागलपन की वजह से ही नहीं जाते हैं, कुछ भी आप मुश्किल से गुजर रहे हैं या कुछ स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, यू नो बहुत सारे तरीके के रोग है जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, तो इसको इसका यू नो इसकी जागरूकता कैसे फैलाए कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना नॉर्मल है, जैसे आप कोई भी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो जब आपको कोई भी यू नो आपको सर्दी खांसी बुखार हो गया होता है, तो साइकियाट्रिस्ट भी एक डॉक्टर ही है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, ना कि यू नो आप पागल हो तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, तो ये अवेयरनेस आप कैसे फैलाए। मैं लोगों से यही कहूंगा कि कई बार क्या हो जाता है, जब हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं या स्ट्रेस आती है या हमें लगता है कि अभी हम जिंदगी का सामना नहीं कर पा रहे और एक मानसिक स्वास्थ्य पे जब प्रभाव होता है, तो हमें कई बार ये लगता है कि नहीं साइकाइट्रिस्ट हमें दवाई देगा और फिर हम उस दवा के आदी हो जाएंगे और फिर हम लाइफ लॉन्ग वही ट्रीटमेंट में रहेंगे या नींद में रहेंगे, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस लोगों के मन में है। मैं लोगों से इतना ही कहूंगा कि आज के दौर में साइकाइट्रिस्ट ट्रेंड है, बहुत ही सक्षम है, पहले के दौर में भी थे, अभी तो साइकाइट्री एक स्पेशलिटी के तौर पे और आगे बढ़ गई है, तो एक ये एक साइंटिफिक स्पेशलिटी है, तो आप एक ऐसे इंसान से मिलोगे जो एक न्यूट्रल इंसान है, जो आपको जज नहीं करेगा और आपको जो सही चीजें है सही मायने में साइंटिफिकली बताएगा, तो और एक डॉक्टर है जिसने MBBS किया है, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन साइकाइट्री में किया है, तो डिग्री हासिल की है, तो जस्ट लाइक एनी अदर डॉक्टर, तो आपको पहली बात तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, और सेकंड चीज ये है कि ये एक चीज लोगों के मन से हट जानी चाहिए कि सिर्फ जो लोग पीड़ित है, जो लोग इल है, जो लोग आप बोल सकते हैं कॉमन टर्म्स में पागलपन के शिकार है, वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पास जो 80% लोग आते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ लाइफ में कुछ कठिनाइयों के कारण उनमें थोड़ी सी डिप्रेशन या निराशापन या एंजाइटी आ जाती है, तो वो हमारे पास हेल्प लेने आते हैं, तो नॉर्मल लोग भी साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, यू डोंट हैव टू बी मेंटली इल टू गो टू साइकाइट्रिस्ट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैसेट ये है कि साइकाइट्री के प्रति जो स्टिग्मा है लोगों के मन में, तो कई बार लोगों के मन में ये स्टिग्मा है कि अगर मैं साइकाइट्रिस्ट के पास जाता हूँ तो मैं मेंटली इल, मैं पागल और लोग मुझे लेबल करेंगे, तो ये एक चीज जो है उनके मन से निकालना बहुत बहुत जरूरी है। और टर्मिनोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या है कि हम अल्कोहलिक, डिप्रेसिव, एंग्शियस, स्किज़ोफ्रेनिक, ये वर्ड्स बहुत लूजली यूज कर लेते हैं, और हमारे यूथ भी जो है लोगों को लेबल बहुत आसानी से कर देते हैं, तो मैं कहूंगा कि हम थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाएं। वेल यू नो बहुत सारे रोग है जो मानसिक स्वास्थ्य से यू नो जुड़े हुए हैं, तो ये
आप बता सकते हैं कि कौन से ऐसे आम रोग है जो लोग जिससे पीड़ित है, जहां तक मानसिक स्वास्थ्य का सवाल है? तीन या चार हमारे मानसिक रोग ऐसे हैं जो सबसे कॉमन है, तो उसमें सबसे पहले डिप्रेशन और एंजाइटी ही आती है, और ये दोनों अलग बीमारियां भी है और ये दोनों एक साथ भी आ सकती है। और इसके अलावा मैं एक बीमारी कहूंगा जो इतना कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको प्रैक्टिस में देखते हैं, जिसको हम स्किजोफ्रेनिया, बाइपोलर एंड स्किजोफ्रेनिया या बाइपोलर भी बोल सकते हैं, बट बाइपोलर अलग बीमारी है जो कि रेयर है। इसके अलावा एक कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग काफी बार निग्लेक्ट करते हैं, वो है सिगरेट या अल्कोहल की यूज। डॉक्टर एक और चीज है, समहाउ यू नो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो उसके बारे में अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। अगर आप थोड़े से ओल्डर जेनरेशन को इसके बारे में पूछे, यू नो जैसे कि यू नो हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स से पूछे, या थोड़े से यू नो पीपल जो वो लोग जो बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, इनसे बात करें तो इन्हें मेंटल इलनेस या मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ के बारे में समझ ही नहीं है। ये ऐसी बात ऐसे बोलेंगे जैसे कि ओ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन और ये एंजाइटी ये सारे अमीरों के चोचले हैं, एक ये सुनने में आता है। दूसरा ये है जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे जो ओल्डर जेनरेशन है, जो हमारी मम्मी या उनके उनके पेरेंट्स हैं, यू नो उनको लगता है कि ये न्यू एज बीमारी है, मेंटल इलनेस, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनके टाइम पे भी उन्होंने काफी कुछ सहा, यू नो इन लॉज का स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, तभी तो उनके टाइम पे यू नो बीइंग अ वुमन दे डिड नॉट रियली हैव इतना अथॉरिटी के कुछ अपना से रख सके, तो बहुत सहा, लेकिन हमने तो कभी मतलब हमको तो पता भी नहीं डिप्रेशन क्या होता है और एंजाइटी क्या होती है, और आजकल के बच्चे वो थोड़ा कुछ हुआ नहीं तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं और स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते, ये कहना है हमारे ओल्डर जेनरेशन का। तो आपका इस पे क्या कहना है? यू थिंक दैट दे आर राइट व्हेन दे से कि जो आज का जेनरेशन है वो वीक जेनरेशन है, वो थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं झेल पाता, या आपको लगता है कि आज का जो जेनरेशन है वो लकी है क्योंकि हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं जहाँ पे मेंटल इलनेस के बारे में लोगों को लोग जानते हैं और इस चीज के लिए बाकायदा डॉक्टर्स हैं जो हमें इस चीज में मदद कर सकते हैं, जो उनके टाइम पे शायद नहीं था। उनके टाइम पे लोगों को मेंटल हेल्थ और मेंटल अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं था, तो अगर वो डिप्रेशन या किसी चीज से गुजर भी रहे थे तो वो बस अंदर ही अंदर गुजर रहे थे, ना कि किसी से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? इसमें कई चीजें हैं, जैसे अगर हम समझो 70s या 80s का दौर देखे तो उस समय पे नंबर ऑफ साइकाइट्रिस्ट भी बहुत कम थे, और अगर हम आज का दौर देखे तो इन बॉम्बे वी हैव अराउंड 700 साइकाइट्रिस्ट्स ऑल टुगेदर, तो नंबर ऑफ साइकाइट्रिस्ट बढ़ गई है। दूसरी, जागृति और अवेयरनेस यंगर जेनरेशन में बहुत है कि सर हमें हेल्प चाहिए, वो खुद से सामने आते हैं, जबकि आई थिंक पुराने दौर में वो साइकाइट्री के प्रति जो भय था, डर था, और जो एक मेंटल हॉस्पिटल वाला इरा, जो उनके एक मेंटल हॉस्पिटल वाला एक पिक्चर उन्होंने बना लिया था उनके मन में, तो वो उससे उभर के बाहर नहीं आ पाए। बट इवन टुडे हमारे पास कई लोग आते हैं जो 50, 60, 70 ईयर्स ओल्ड है, जो उस दौर के है, और वो जब साइकाइट्रिस्ट को मिलने आते हैं तो कई बार मुझसे बैठते हैं, बात करते हैं, फिर वो मुझे कहते हैं कि मेरी तो साइकाइट्रिस्ट की परिभाषा ही कुछ और थी, कि आप ऐसे डॉक्टर हो गए कि मतलब आप एकदम स्टर्न रहोगे, आप हंसोगे नहीं, आप मतलब बात नहीं करोगे, तो बोला हमारा एक स्ट्रिक्ट डॉक्टर का सोच था कि साइकाइट्रिस्ट है, लेकिन आपसे मिलके ऐसे लगा कि नहीं, आप भी तो कोई और डॉक्टर जैसे ही हो, आपने भी मेरा ब्लड प्रेशर लिया, आपने भी मुझसे बात की, तो हमें कुछ ऐसे लगा ही नहीं कि हम साइकाइट्रिस्ट से मिल रहे। तो मैंने उनको वही पूछा कि आपके मन में साइकाइट्रिस्ट की क्या सोच थी, तो बोला नहीं हमको लगा कि वो डॉक्टर दूर से ही बात करेंगे, बोलेंगे तुमको ये तकलीफ है, दवाई लो जाओ, और या तो बोलेंगे एडमिट हो जाओ, शॉक देंगे, मतलब ये एक प्रकार का उनके मन में जो डर था वो था, तो वो एक पिक्चर उन्होंने बना लिया। एंड आई थिंक इसके इसके बहुत सारे कारण है, आई मीन
there are multiple factors. Today, media is very positive about yes. mental health. So also portrayal of mental health films mein jo hai, chahe English films ho, chahe Hindi films ho, regional films ho, sab mein portrayal bahut positive hai. To uske karan jo hai, kahi baar jo hai, log jagrut ho jate hai. कि इट इज नॉट रॉन्ग एंड आई थिंक अगर हम आपके ही फील्ड में देखेंगे तो बॉलीवुड में ही मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सारे पॉजिटिव फिल्म्स बने हैं और आई थिंक अलग अलग टॉपिक्स पे बने हैं सो उसको देखकर भी लोग जागरूक हो जाते हैं एंड आई थिंक दैट प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन अवेयरनेस फॉर द यूथ टूडे That's great. Thank you so much, Dr. D'Souza, जो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल के हमें इतनी सारी जानकारी दी on mental health. Thank you so much. Thank you very much.